गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, मैं आ गया हूँ और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपको टाइटल से मतलब थंबनेल से पता चल ही गया होगा, मैं थंबनेल ऐसा ही बनाता हूँ कि आपको पूरा आइडिया आ जाए कि भाई मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब वॉइस थोड़ा सा स्लो हो या फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो, तो थोड़ा सा मतलब क्योंकि हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ ना, इसीलिए। ओके, तो गाइस आज हमारे पास था थोड़ा सा टाइम, तो भाई सोचा कि चलो प्रॉपर वो ट्राइपॉड लेके शूट करते। हर बार क्या करता हूँ कि टाइम नहीं होता है ना, तो ओपन मतलब गाड़ी में या फिर कहीं पे भी ऐसा मतलब सेल्फी कैमरा लेके खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन उसमें फेस थोड़ा बहुत नज़दीक आता है। वो मुझे भी दिख रहा है कि भाई इतना अच्छा नहीं आता है आउटपुट, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि भाई जितना हो सके इतना मैं आपको ऐसा मतलब प्रॉपर बैकग्राउंड वाला वीडियो दूँ। ओके, तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 ऐसी ऐप्स जो आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो ऑस्ट्रेलिया आकर आपको तुरंत ही वो 5 ऐप्स डाउनलोड कर देनी, क्योंकि ये जो 5 एप्लीकेशन है वो बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओके, और बहुत ही काम आने वाली है आपको ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो गाइस कुछ भी यहाँ पे और बकवास नहीं करते और सीधा हमारे पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हमारी पहली एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऐप जिसका नाम है ट्रांसलिंक। ओके, यहाँ पे ब्रिस्बेन में उसको ट्रांसलिंक बोलते हैं, मेलबोर्न में कुछ अलग बोलते हैं, सिडनी में कुछ अलग बोलते हैं, पर्थ में ट्रांसपर्थ बोलते होंगे, मतलब कुछ अलग अलग नाम होते हैं उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रिस्बेन में ट्रांसलिंक करके एप्लीकेशन है। उसमें आप मतलब आपका जो बस का टाइमिंग हो गया, फिर फेरी हो गई, ट्रेन हो गई, सारी मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई चीज़ें ना वो सारा देख सकते हो। टाइमिंग हो गया तो वो भी देख सकते हो, कहाँ कितने टाइम में आने वाली है, अगर बस लेट है डिले है तो वो भी यहाँ पे दिखा देता है कितने मतलब टाइम लगेगा। जैसे हमारे गूगल मैप्स यूज़ करते हैं ना वैसे ही होता है। हाँ, लेकिन बता दूँ गूगल मैप्स में भी गाइस आप देख सकते हो ये सब चीज़, लेकिन ये ऐप है ना वो थोड़ा सा कन्वीनियंट है, आपको एक प्रॉपर मतलब मिल जाता है। आप यहाँ से क्या है, आपका जो गो कार्ड होता है, यहाँ पे गो कार्ड होता है, तो वो गो कार्ड का अकाउंट बना के यहाँ पे लिंक कर सकते हो, तो उसमें कितना बैलेंस है, टॉपअप करना है नहीं करना है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। ओके, तो भाई बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, वो है ट्रांसलिंक। ओके, तो अगर आप ब्रिस्बेन में हो तो ज़रूर से ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। ओके गाइस, तो अभी बात करते हैं हमारे दूसरे ऐप के बारे में, और वो ऐप तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आते हो, अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हो, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन सी बैंक है। तो यहाँ पे प्रोबेबली मेन 3 बैंक है, सबसे पहला है कॉमनवेल्थ बैंक, उसके बाद है NAB, फिर ANZ। ओके, ये 3 जो मेजर बैंक है उसको यहाँ पे किसी भी आपने यहाँ पे किसी भी बैंक में आपने अकाउंट ओपन कर दिया, ओके, तो उसका यहाँ पे एक प्रॉपर एप्लीकेशन है। ओके, उसमें आप देख सकते हो कि आपना आपका बैलेंस कितना है, आपका सेविंग अकाउंट और दो अकाउंट मिलते। मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली कॉमनवेल्थ बैंक की, क्योंकि मैंने कॉमनवेल्थ बैंक में मेरा अकाउंट है और मैं उसकी कॉमनवेल्थ बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, दो अकाउंट होते हैं, एक माई एक्सेस स्मार्ट एक्सेस जो मैं नॉर्मल मतलब होता है, एक होता है कि सेविंग अकाउंट आपका। ओके, तो भाई ये दो अकाउंट आपको मिलते हैं। ओके, तो भाई ये और उसके बाद आपका कहाँ कहाँ आपने पेमेंट किया, कौन कौन सी तारीख पे, आपका मंथली एक्सपेंस कितना है, उसके सामने आपकी अर्निंग कितनी है, बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत मतलब एकदम वेल मैनेज्ड एप्लीकेशन है। मैं बहुत बहुत मतलब इम्प्रेस हुए एप्लीकेशन से, कॉमनवेल्थ बैंक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। ओके गाइस, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट खोलते हो उसकी मतलब एक एप्लीकेशन होती है वो तो ज़रूर से डाउनलोड कर देना, क्योंकि उसमें आपको सारा मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और बहुत ही ईजी होता है फिर आपको मतलब आपकी पैसे कहाँ जा रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए। ओके, क्योंकि क्या है कि हम जनरली क्या करते हैं कि फिर लिखते हैं ऐसे कहाँ पर नोट पर लिखते हैं कि आप क्या लिखते हैं कि ये खर्चा हुआ कितना, लेकिन इसमें सारी हिस्ट्री होती है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, बहुत सारे फीचर्स है। ओके, उसको आपको एक्सप्लोर करना हो तो कीजिए, लेकिन सबसे पहले ये कंपलसरी ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर देना। अभी बात करते हैं हमारे तीसरे ऐप के बारे में, और वो है आपका मतलब फ़ोन रिचार्ज जो आप करते हैं उसके रिलेटेड। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है फ़ोन के ऑपरेटर, उसमें मेन 3 ऑपरेटर है, एक है वोडाफोन, दूसरा है ऑप्टस और तीसरा है टेलस्ट्रा। ये 3 मेन ऑपरेटर और भी सारे हैं, लेकिन ये 3 मेन ऑपरेटर है। ओके, तो आप जिसका भी सिम कार्ड लेते हो ना उसका भी एक एप्लीकेशन होता है प्रॉपर। ओके, जिसमें आपका मतलब इंडिया में भी होता था ना कि माई जियो ऐप होता है, कि एयरटेल का होता है तो एयरटेल का होता है, तो यहाँ भी ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें आप अपना डेटा ट्रैक कर सकते हो। और बहुत अच्छी बात क्या है बताएं कि भाई एक टॉपअप का ऑप्शन होता है, ऑटो टॉपअप का,
वो मैंने बताया नहीं, मैं आपको अभी बताता हूँ क्योंकि मुझे अभी याद आया। वो जो ऑटो टॉपअप का ऑप्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर आपका मंथली मंथली सपोज कि आपका डेटा $40 या $50 का हो रहा है मंथली, ओके, तो उसमें अगर आप ऑटो टॉपअप ऑन रखोगे ना, तो आपको मतलब $5 या फिर मे भी मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन $5 का डिस्काउंट मिलता है। क्योंकि मैं जो प्लान करता हूँ ना वोडाफोन में, उसमें मैंने ऑटो टॉपअप ऑन रखा है, तो मेरा जो प्लान है ना उसमें $5 कम हो जाता है, ओके, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो अपने आप मेरे अकाउंट से कट हो जाते हैं। मेरे को हर बार वो झंझट नहीं भाई कि भाई ये तारीख को बिल भरो, वो सब नहीं, ओके। तो यहाँ पे सब वो सेट कर देने का, आपका बिल वो सब वो ऑटोमेटिकली वो डेट पे वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा पैसा, ओके। तो उसको बोलते हैं ऑटो टॉपअप। मैं ऑटो टॉपअप बता दूँ गाइस, आपका वो जो मैंने बताया ना कि आपका यहाँ पे वो कार्ड होता है को कार्ड, तो उसमें भी आप ऑटो टॉपअप ऑन रख सकते हो कि आपका बैलेंस सपोज कि $5 से कम हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो मतलब $20 ऐड कर देगा, $30 जितना भी आपने अमाउंट रखा हो उतना वो ऐड कर देगा, तो उसमें भी रख। लेकिन उसमें ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है कि भाई $5 कम होता है, उसमें ऐसा कुछ डिस्काउंट नहीं है। लेकिन हाँ, वोडाफोन में ये डिस्काउंट है, क्योंकि मेरा ऑटो टॉपअप ऑन है तो मुझे पता है मेरे $5 कम हो जाते हैं, $5 का डिस्काउंट मिल जाता है, समझ लो। किसी को भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, उसका सीधा मतलब नंबर डालो, अकाउंट डिटेल हो तो अकाउंट डिटेल डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके फ़ोन में वो नंबर है ना, तो नंबर से भी आप सीधा वो आईडी पे, नंबर आईडी जो नंबर होता है ना, वो ही आईडी होता है वो पर्सन का, उस पर आप डायरेक्टली मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे। मैंने पहले ही बताया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे कैश का जो मतलब कैश बहुत कम चलता है, ठीक है, यहाँ पे सब लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही यूज़ करते हैं, ओके, सब लोग कार्ड ही यूज़ करते हैं, तो कैश का मतलब इतना होता नहीं है, क्योंकि कैश में क्या है, थोड़े से झंझट तो है भाई कि भाई आप लेके घूमो, ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे कार्ड लेके ही घूमते हैं। आपके वॉलेट में देखोगे ना तो बहुत सारे कार्ड हो गए, कैश होगा ही नहीं, ओके, तो भाई ये है यहाँ पे। ओके गाइस, तो अभी बात करते हैं हमारे फोर्थ नंबर के एप्लीकेशन के बारे में, और वो मैंने आपको उस पहले बताया हुआ है जब मैंने बात की थी अकोमोडेशन के बारे में, उसका नाम है गमट्री, ओके। तो ये गमट्री एप्लीकेशन ने वो बहुत मतलब बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, गमट्री में आप एक बार जाना देखना, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन उसको प्रॉपरली लोग यूज़ करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। लेकिन उससे अलावा भी आप बहुत सारे मतलब आपको कार फाइंड करनी हो तो वो, अगर आपको मतलब OLX जैसा है, इंडिया में OLX नहीं था कि आपको कुछ बेचना हो, कुछ नया लेना हो, फिर फेसबुक मार्केट प्लेस में जो होता है ना, वो बहुत सारे मतलब है फीचर्स कंपनी में। आप कंपनी का एक बार यूज़ कीजिए, देखिए एप्लीकेशन को, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जॉब भी मिल जाती है, जॉब भी यहाँ पे पोस्टेड होती है कंपनी में, तो वो भी एक मतलब बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, ओके। तो उसको भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए नीचे कमेंट करके कि आपको वो कंपनी एप्लीकेशन कैसा लगा, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि क्या है कि अभी मेरी जॉब भी हो गई है, मैंने कार भी फाइंड कर ली इसीलिए, वरना अगर आपको अकोमोडेशन भी मतलब ट्राई कर सकते हो आप, ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई उसमें से आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उसको ट्राई कीजिए। बात करते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन के बारे में, और ये एप्लीकेशन मैंने रिसेंटली यूज़ किया, जब मैंने ड्रोन परचेस किया था तो मैंने इस एप्लीकेशन के थ्रू ही ये ड्रोन परचेस किया था। तो गाइस बहुत ही कन्वीनियंट एप्लीकेशन है और इसका नाम है आफ्टर पे, ओके। तो गाइस इस एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपको मतलब नाम से पता चल रहा है, बहुत अच्छा नाम दिया आफ्टर पे, ओके। सपोज़ कि मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ कि आपका $200 का कुछ मतलब पसंद आ गया, आपको सपोज़ कि शूज़ पसंद आ गया $200 के, अगर अभी आपके पास $200 नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने $200 को चार पार्ट में, चार इंस्टॉलमेंट में स्प्लिट कर सकते हो, मतलब 50-50, ओके, चार इंस्टॉलमेंट में। तो आप जब पहले आपको आप यूज़ करोगे, जब आप पहले लोगे वो चीज़, ठीक है, तो आपको ओनली $50 ही पे करना है। तो $50 मतलब 1/4 आपने पे किया और वो जो चीज़ है ना, वो मतलब शूज़ है ना, वो आपके हो गए, ओके। और उसके बाद का जो 150 था, वो रिमेनिंग था, जो 150 150 आपको मतलब पे करना होता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा वो $50 का, दूसरा वो आएगा 14 डेज में, मतलब 2 वीक्स में, उसके बाद दूसरा आएगा 2 वीक्स में, 2 वीक्स में, मतलब आपके पास 6 वीक्स हो गए, तो 6 वीक्स में आप वो $150 पे कर सकते हो, ओके। तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मतलब हो जाएगा कि नेक्स्ट वीक सैलरी आएगी तो उसमें से 50 कट हो जाएगी, उसके पास नेक्स्ट आएगा तो उसमें से 50 कट हो जाएगा, तो बहुत इजी रहता है। तो मैंने मेरा जो ड्रोन परचेस किया था ना, वो ऐसे ही किया था, ओके, कि चार इंस्टॉलमेंट में स्प्लिट हो जाता है, ओके। पहले इंस्टॉलमेंट में जब आप परचेस करते हो आपको वो चीज़ मिल जाती है हैंड टू हैंड, और पहला इंस्टॉलमेंट आपका कट हो जाता है, उसके बाद का जो रिमेनिंग 3 इंस्टॉलमेंट है वो आपका 14 डेज यानी कि 2 वीक्स में
कट होगा। ओके, तो गाइस बहुत ही अच्छा है एप्लीकेशन ही, उसका नाम है आफ्टर पे। ओके, इसको तो ज़रूर से आप डाउनलोड कर देना, ठीक है। और हाँ गाइस, मैं बता दूँ कि गाइस ये आप इंस्टॉल मतलब स्टोर में हो तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, और ऑनलाइन आपको कुछ मतलब मंगाना है तो वहाँ भी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ईजी। तो गाइस मैंने आपको ये 5 एप्लीकेशन बता दी। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिलीज के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस 1000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं ना, तो वो जल्दी से कर दो यार, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते गाइस, तो सब्सक्राइब थोड़ा कर लिया कि जो लाइक करो शेयर करो तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। बाकी तो मैं जो बताने वाला हूँ, जो वीडियो में मतलब मैंने सोचा है कि मैं आपको बताऊंगा, वो इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको डेफिनेटली देने वाला हूँ, आप करो या ना करो, ठीक है भाई। ओके गाइस, तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए।